हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैलेंट हब स्मार्ट सिटी में। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। इससे पहले के काफ़ी सारे स्टेट मैं कवर कर चुकी हूँ, आप उन वीडियो की डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो आंध्र प्रदेश जो है वो सदर्न ईस्ट ईस्टर्न पार्ट है हमारे देश का। तो इस वीडियो में आपको मैप के हेल्प से काफ़ी सारी डिटेल में मैं बताऊंगी आंध्र प्रदेश के बारे में, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आप ऐसे जनरल आप रुचि रखते हैं चीज़ों को जानने में या फिर अपने देश के बारे में जानने में, तब भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बॉर्डर्स की। तो इसका इंटरनेशनल बॉर्डर तो कोई भी नहीं है, आप देख सकते हैं ये है आंध्र प्रदेश, ये आपको मैप में दिख रहा है, ये सीमा है आंध्र प्रदेश की। तो इसका इंटरनेशनल बॉर्डर आप देख सकते हैं कोई भी नहीं, क्योंकि इसका जो ईस्ट साइड में है वो है बे ऑफ बंगाल। तो इसके जो स्टेट बॉर्डर्स हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। तो इसके स्टेट बॉर्डर्स लगते हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा से। तो तमिलनाडु है साउथ में, कर्नाटका है साउथ वेस्ट में, तेलंगाना है नॉर्थ वेस्ट में और उड़ीसा है, ये आप देख सकते हैं उड़ीसा है, ये है नॉर्थ ईस्ट में। तो इसके चार स्टेट बॉर्डर हैं। इसके अलावा इसकी कोस्टल लाइन जो है ये आप देख सकते हैं, ये जो कोस्टल लाइन है ये है 970 किलोमीटर्स की इसकी कोस्टल लाइन है, जो कि बे ऑफ बंगाल से लगती है। तो पहले आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, बाद में 2014 में तेलंगाना एक सेपरेट स्टेट बन गया आंध्र प्रदेश से अलग होके। तो ये मैंने आपको इसमें बताया इसकी बाउंड्री के बारे में। आंध्र प्रदेश के हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पहले यहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे और बाद में 13 डिस्ट्रिक्ट और जुड़ गए और 26 डिस्ट्रिक्ट अब टोटल आंध्र प्रदेश में। इनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके नाम नोट कर सकते हैं। ये अल्लूरी, सीतारमा राजू, अनंतपुरम, बारपटला। अगर नाम में थोड़ा मिस प्रोनंसिएशन होगा तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि थोड़ा सा साउथ के वर्ड्स हैं तो मुझे थोड़ा लेने में दिक्कत हो सकती है। अनंतपुरम, बारपटला, ईस्ट गोदावरी, गुंटूर, कोनासीमा, कुरनूल, एनटीआर डिस्ट्रिक्ट, पालनाडु, एसपीएस नेल्लोर, श्री बालाजी डिस्ट्रिक्ट, विशाखापट्टनम, वेस्ट गोदावरी, अनाकपल्ली, अन्नामाया, चित्तूर, इलुरु, काकीनाडा, कृष्णा, मन्यम, नंदलाल, प्रकाशना, श्री सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट, श्री काकुलम, विजयनगरम, वाईएसआर, कड़प्पा। तो ये मैंने आपको बताया 26 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम, इनको आप वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको पढ़ सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आंध्र प्रदेश के फिजिकल डिवीज़न की बात करें तो ये मेनली तीन रीजन में डिवाइड है, ये है तेलंगाना रीजन, रायलसीमा रीजन, कोस्टल आंध्र रीजन। तो जो आंध्र प्रदेश है ये मोस्टली इसका जो फिजिकल रीजन की बात करें तो ये ईस्टर्न घाट्स आते हैं यहाँ पे, जो कि डेक्कन प्लेटू के पार्ट है। तो डेक्कन प्लेटू का जो ईस्टर्न पार्ट है वो है आंध्र प्रदेश में। तो ये तीन मैंने आपको रीज़न बता दिए। तो जो तेलंगाना रीजन है वो है नदर्न साइड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू और जो रायलसीमा रीजन है वो है सदर्न साइड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो इन दोनों को आपस में रिवर जो कृष्णा है, कृष्णा नदी जो है वो इन दोनों रीजन्स को आपस में एक दूसरे से सेपरेट करती है, और कोस्टल आंध्र रीजन तो कोस्टल वाला एरिया हो गया। तो मेन जो है वो तेलंगाना रीजन है और रायलसीमा रीजन है। अब इसमें जो मेजर नदियाँ आती हैं, जो पहाड़ियाँ आती हैं, इसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। नदियाँ देखी जाए तो आंध्र प्रदेश की जो मेन नदियाँ हैं मैं उनके नाम आपको बता दे रही हूँ, ये एग्जाम में मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है, ये गोदावरी, कृष्णा। इसमें से गोदावरी और जो कृष्णा है ये सबसे ज़्यादा प्रमुख नदियाँ हैं। तो गोदावरी, कृष्णा, वंशाधारा, नागावली, पेन्नार और तुंगभद्रा। तो जो मेन मैं रिवर जिनके बारे में डिटेल में बताऊँगी वो है गोदावरी, कृष्णा, बाकी के आप नाम नोट कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम में काम आ सकता है। अब हम बात करें कृष्णा रिवर की, तो आप देख सकते हैं ये है रिवर कृष्णा, ये है महाराष्ट्र का एरिया। तो जो कृष्णा रिवर है उसका ओरिजिन महाबलेश्वर से है, महाबलेश्वर से निकलती है ये महाराष्ट्र में, आप देख सकते हैं ये है कृष्णा नदी। तो ये कृष्णा नदी जो है ये ईस्ट फ्लोइंग, ये ईस्ट से वेस्ट को फ्लो करती है और उसके बाद कर्नाटका पहुंचने के बाद ये ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है। जब ये कर्नाटका पहुंचती है उसके बाद ये ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है और फिर
आंध्र प्रदेश में ये बहती है। तो आंध्र प्रदेश की अभी हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं ये है रिवर कृष्णा, ये आपको दिख रही है कृष्णा नदी। और उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में बहने के बाद ये जाती है बे ऑफ बंगाल में, ये बंगाल की खाड़ी है, ये इधर बंगाल की खाड़ी यहाँ पे मुड़ जाती है। और आप ये देख सकते हैं ये आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में गई और यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। अब हम अगर बात करें गोदावरी रिवर की, तो गोदावरी जो नदी है उसका ओरिजिन भी महाराष्ट्र में है, तो गोदावरी भी महाराष्ट्र से ही निकलती है। तो गोदावरी का भी अगर हम बात करें, आप देख रहे हैं ये है गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी भी जाके मिलती है बंगाल की खाड़ी में। तो गोदावरी जब मिलती है तो उसके दो एक मुँह बन जाते हैं, दो माउथ जिसे हम कह सकते हैं, तो माउथ ऑफ गोदावरी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इधर है और एक इधर पे है, तो ये है माउथ ऑफ गोदावरी, जिसको हम वशिष्ठ दो नाम से जानते हैं, एक को वशिष्ठ गोदावरी और एक को गौतमी गोदावरी। तो ये दोनों इसके माउथ के नाम है, जो इसके मुख है जहाँ से वो गिरती है, जहाँ पर मिलती है, तो उसके नाम है एक वशिष्ठ गोदावरी और एक गौतमी गोदावरी, इसको आप नोट कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के हिल रेंज की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हिल रेंज है या फिर माउंटेन रेंज है, तो वो है नलमाला, एर्रमलाई और पालकोंडा रेंज। तो आप ये देख सकते हैं ये है पालकोंडा रेंज, ये है नलमाला हिल्स, ये है एर्रमला हिल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको हिल्स के नाम बता दिए। अब इसमें एक हाईएस्ट पीक है यहाँ के आंध्र प्रदेश की, जो एक इम्पॉर्टेंट है जो आप नोट कर सकते हैं, ये है महेंद्रगिरी करके पर्वत है आप, या फिर आप कह सकते हैं हाईएस्ट पीक है, चोटी है महेंद्रगिरी, हिंदी में भी लिख देते हैं चले। तो इसकी जो हाइट है वो है 1500 मीटर ऊंची है ये चोटी महेंद्रगिरी पर्वत। तो इसका आप नाम आप नोट कर लीजिए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो आंध्र प्रदेश जो नाम है आंध्रा जो नाम है वो आंध्र लोगों पे बेस्ड है, तो आंध्र लोगों से नाम पड़ा है आंध्र प्रदेश। इसकी कैपिटल है अमरावती, तो ये आप नोट कर लीजिए कैपिटल अमरावती। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसा कि मैंने बोला आपको कैपिटल नोट कर लिया आपने। अब ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की तेलुगु लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो आंध्र प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है 8,45,80,770। यहाँ पे जो मेल पॉपुलेशन है वो है 4,24,38,925, फीमेल पॉपुलेशन है 4,21,41,852। और ये सब मैं आपको 2011 के सेंसस के बेसिस पे बता रही हूँ, ये सारे जो आंकड़े हैं। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यहाँ पे मैंने 100 लिखा हुआ, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, तो ये है 951 से लेके 1000 तक। अब परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करें, यानी कि शहरी की तुलना में, टोटल पॉपुलेशन की तुलना में कितनी शहरी जनसंख्या है, तो 25 से 35% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन है। अब लिटरेट्स की बात करें, अगर हम टोटल पॉपुलेशन की तुलना में कितने लिटरेट्स हैं, कितने परसेंटेज पॉपुलेशन लिटरेट है, तो 60-70% पॉपुलेशन लिटरेट है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे कितनी पॉपुलेशन का परसेंटेज है, तो ये है 10% से नीचे की जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा से नीचे है। अब हम बात करते हैं एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि स्वच्छ पानी का एक्सेस, जो पीने वाला पानी होता है उसका एक्सेस कितनी पॉपुलेशन को है, तो अबव 90% पॉपुलेशन को साफ पानी पीने का एक्सेस है, यानी कि काफ़ी एक अच्छा आंकड़ा है। अब कुछ जो मेजर चीज़ है वो है इंडेजेंट स्पीशीज़, यानी कि कौन सी स्पीशीज़ यहाँ पे खतरे में है, तो वो है एशियन एलिफेंट और द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। आंध्र प्रदेश में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो है तेलुगु, उर्दू,
तेलुगु मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, तेलुगु, उर्दू, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, मराठी और उड़िया, तो ये यहाँ के लैंग्वेज है, इनके आप नाम नोट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें कि कौन सी धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पे कितने रहते हैं, तो आंध्र प्रदेश में ये जो आप बार देख रहे हैं ये वाला, ये हिंदू कम्युनिटी को दिखा रहा है और ये मुस्लिम कम्युनिटी को दिखा रहा है, तो मेजर जो यहाँ पे है वो हिंदू कम्युनिटी है और उसके अलावा कुछ मात्रा में यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी भी देखने को मिलती है। मैंने आपको लैंग्वेज के बारे में बताया था, तो एक लैंग्वेज और बोली जाती है जिसका नाम है लंबाड़ी, या फिर लंबाड़ी आप कह सकते हैं, या फिर इसको बंजारी भी बोलते हैं, इस लैंग्वेज को बंजारी भी बोलते हैं। तो ये लैंग्वेज बोली जाती है जो आंध्र प्रदेश के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो लोग इस लैंग्वेज को बोलते हैं। इसके अलावा जो स्मॉल माइनॉरिटी है वो उर्दू बोलती है और बाकी जो मैंने आपको बताया था तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, मराठी और उड़िया बोली जाती है। हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स की, तो जो मुख्य या फिर प्रमुख यहाँ की फसल है वो है चावल। तो आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। तो मेनली जो कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा रीजन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चावल उगाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं राइस, चावल, कॉटन, शुगर केन, चिली पेपर, मैंगो, टोबैको, सनफ्लावर और पीनट्स। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ की क्रॉप्स हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम रिसोर्सेज और पावर पे। तो अगर हम यहाँ के रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे एस्बेस्टस जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। एस्बेस्टस, मीका, मैंगनीज, बेराइट, हाई ग्रेड कोल भी यहाँ पे मिलता है, एपेटाइट, लाइमस्टोन और क्वार्ट्ज। तो ये आप वीडियो पॉज करके ये नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क की। तो आंध्र प्रदेश की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हैं वो हैं पेपिकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंबला कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोला पाड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्री वेंकटेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुना सागर श्री साइलम सेंचुरी। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप नाम पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे मैं गलत हूँ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप वीडियो पॉज करिए अभी और एक पेन उठाइए और इन सारे नामों को नोट करिए। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ डांस इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। आंध्र प्रदेश के मेजर फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ पे मकर संक्रांति मनाई जाती है धूमधाम से। इसके अलावा उगाड़ी मनाया जाता है जो कि पहला दिन होता है तेलुगु न्यू ईयर का, और इसी दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा भी मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में रथ सप्तमी भी मनाई जाती है जो कि सूर्य भगवान का जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे अंतर्वेदी फेयर होता है जो कि काफ़ी पॉपुलर है। कोटप्पा कोंडा फेयर होता है, महाशिवरात्रि मनाई जाती है, श्री राम नवमी मनाई जाती है, तिरुपति गंगा यात्रा मनाई जाती है। तो ये कुछ मेन फेस्टिवल्स मैंने आपको बताए। तो ये था आंध्र प्रदेश के बारे में। आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। और एक रिक्वेस्ट है, सेव अर्थ सेव वाटर, क्योंकि हमें अपने प्लैनेट को बचाना है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे हमें डील करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।